हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी मिक्स दाल तड़का। उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी साबुत दाल तड़का। साबुत दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राजमा, काला चना, सफ़ेद चना और हरा मूंग और लगभग 50 ग्राम तक चना दाल ली हुई है। इस सब मैंने रात में ही भिगो कर ले लिया है। इस सबको अब मैं कुकर में डालकर इसको बॉयल करूंगी। लगभग 1 गिलास पानी के साथ, पानी ऊपर तक रहना चाहिए दाल के ऊपर तक, तभी अच्छा से बॉयल हो पाता है। ये साबुत दालों की तड़का बहुत ही टेस्टी लगती है, प्रोटीन से भरा हुआ। अगर इसकी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो ये लगभग जितनी साबुत दालें हैं सब मिलकर 200 ग्राम के करीब में ये सारी दालें हैं। मैंने आधी आधी कटोरी सबको लिया है, राजमा, काला चना, सफ़ेद चना और हरा मूंग और चना दाल। इस सब की मैं मिक्स दाल तड़का बनाऊंगी और इसमें लगभग मैं 1 चम्मच नमक के साथ इसको बॉयल करूंगी। और मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और लगभग 3 से 4 सीटी आने तक इसको मैं बॉयल करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली हुई है, 2 टमाटर है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। ये मैं ग्राइंड करके लूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची है, 3-4 लौंग है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 1 छोटी चम्मच जीरा है और ये जावित्री है छोटी सी। मसाला में मैं डालूँगी, ये काली मिर्च पाउडर है, ये नमक है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, लगभग 1 चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर है। नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ही लें। और इसका मैं थोड़ा सा हींग इस्तेमाल करूंगी इसमें। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई गर्म होने दूंगी। उसके बाद कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी लगभग 2 से 3 चम्मच। अब इसमें मैं ये दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी और बड़ी इलायची को मैंने इस तरह से खोल लिया हुआ है उसको डालूंगी, हरी इलायची को मैंने इस तरह से खोल ली हूँ उस तरह डालूंगी और ये तड़के के सामान मैं पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। और लगभग 1 चुटकी हींग डालूंगी इसमें। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट ली हुई है, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी प्याज को। इसमें भी लगभग 1/4 सीटी आने वाली है, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन होने वाली है, थोड़ी देर में हो जाएगी। और मैंने इस तरह से टमाटर और अदरक को ग्राइंड कर ली हूँ और इसमें लगभग 1 चम्मच में लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और बिल्कुल रेडी हो चुका है ये प्याज, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं फ्लेम को एकदम कम कर लूँगी। अब इसमें मैं टमाटर की प्योरी, अदरक लहसुन ये सब मैं डालूंगी। और जितने मैंने मसाले रखे हुए हैं नमक के साथ वो सब मैं ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ी सी पानी के साथ मैं इस तरह से इसको निकाल लूंगी और इस तरह से मैं करके लगभग घट से 5 से 7 मिनट तक मसाला को पकाऊंगी, तैयार करूंगी, पकाऊंगी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको बीच में खोल के चेक करते रहेंगे इस तरह से, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से पके। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आधा गिलास पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गई है। ये सब अलग अलग ऐसे हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मिक्स दाल, साबुत दाल बहुत अच्छे से पक गया। मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला में। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर लगभग इसको 7 से 8 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। एकदम लो फ्लेम पे ताकि इससे अच्छी खुशबू आने लगे और जितने मसाला और साबुत दालें हो सब आपस में एक सार हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए। एकदम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक ऐसे ढक्के में पकाऊंगी। बीच में खोल के देख लूंगी एक दो बार। दाल पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें बीच बीच में 2 बार इसको पलट भी लिया है। बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहे और 7 से 8 या 10 मिनट भी इसको पका सकते हैं। जितने पकाएंगे उतनी इसकी टेस्ट अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी बटर डालूंगी। आप बटर की जगह पर 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फेस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोग घर में निकालते हैं मलाई, वो भी डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। इससे मिक्स दाल तड़का की स्वाद दुगुनी हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं बटर को। अब मैं दाल निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी साबुत दाल की तड़का कितनी अच्छी बनी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं इसे हरा धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी इस तरह से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे नान पराठा के साथ खाइए, रुमाली रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी बनाइए खाइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।